हे गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद गुप्ता। आज मैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा और फॉलो करना चाहे तो करिएगा, बट देखिएगा जरूर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके लुक्स के लिए, आपके ओवरऑल बॉडी को एनहेंस करने के लिए। तो गाइस, हम सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है, हम लोग जो भी कुछ खाते हैं वो प्रोटीन है, फैट एंड कार्ब्स, इन चीज़ों से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो फैट है वो जो भी हम खाते हैं वो लिपिड्स और हमारी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होके हमें एनर्जी देता है, और जो फैट हम खाते हैं वो फैट है, और जो हम प्रोटीन खाते हैं वो भी हमारी बॉडी को मसल बिल्डिंग ब्लॉक जो कहते हैं ना, मसल या सेल, हमारी बॉडी का एक एक सेल लाइक स्किन के हो, चाहे हेयर के हो, चाहे हमारी मसल हो, चाहे हमारे नेल्स हो, चाहे हमारे पूरी बॉडी में कहीं भी कोई भी एक एक सेल है ना, वो प्रोटीन से बना होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ईच सेल। अगर वो डिप्राइव हमारी बॉडी, अगर हमारी डाइट में अच्छा प्रोटीन नहीं होगा या हम जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन नहीं होगा, तो हमारी बॉडी में हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे, क्योंकि उसमें अगर रॉ मटेरियल ही हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं है तो हमारी बॉडी रिकवरी फेज में बहुत स्लो हो जाएगी, हमारी बॉडी में रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन हमारी डाइट में होना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, यस हम तो प्रोटीन खाते हैं, भर भर के खाते हैं, हम चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं। भैया, चिकन और मटन खाते हो, बीफ खाते हो, सब कुछ खाते हो, कोई बात नहीं, खाओ। क्या आपको ये बात पता है कि हम नॉनवेज खाने के लिए नहीं बने हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोग नॉनवेज खाते हैं, बट हमारी बॉडी नेचर ने नॉनवेज के लिए नहीं बनाई है। आपने कभी देखा है शेर को, कभी देखा है बिल्ली को, उनके दांत कैसे होते हैं, उनके कैनाइन दांत ऐसे टैं बाहर निकले होते हैं, बिकॉज वो फाड़ने के लिए होता है। प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो बहुत ही, हम अगर नॉनवेज वाली प्रोटीन खाते हैं, लाइक हम लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा बॉडी को जद्दोजहद करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा टाइम लेता है। इसके साइड इफेक्ट मैं बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा इसको हम कैसे इस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी बॉडी को प्रोटीन को सप्लाई को हम प्रॉपर कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो नहीं है, थोड़ा लंबा रहेगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म में चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, हमारी बॉडी नॉनवेज खाने के लिए नहीं बनी है। आपने देखा शेर जब शिकार करता है, खाना खाता है, शिकार खाता है और तीन तीन चार चार दिन लेटा रहता है, सो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी को डाइजेस्ट करने में उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उसको उतना ज़्यादा पावर चाहिए होता है डाइजेस्ट करने के लिए। और आप, हम लोग जब यही चीज़ खाते हैं, हम लोग जब चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, हमारी बॉडी में वो तीन तीन चार चार दिन बॉडी के अंदर पड़ा रहता है डाइजेस्ट होने के लिए। और जब वो इतने दिन बॉडी के अंदर पड़ा रहता है उसको, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसको डाइजेस्ट करने में बहुत बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जब वो इतने दिन पड़ा रहता है तो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं टॉक्सिन्स, वहाँ पर टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, और वो टॉक्सिन्स हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज में जाते हैं और वहां पे जाके एक्यूमुलेट और लोड बढ़ा देते हैं, लिम्फेटिक लोड बढ़ा देते हैं, टॉक्सिन्स का लोड बढ़ा देते हैं। तो जो हमारा जो प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट होता है, यूरिया है, क्रिएटिन है, आप देखा ना, बहुत ज़्यादा लोगों को किडनी पर इफेक्ट आने लगता है। और सबसे बड़ा कारण है हाई प्रोटीन डाइट अगर जो लेते हैं उनको, सबसे बड़ा कारण है उनको, मतलब जो कैंसर जो लोगों को होता है ना, सबसे उसका एक बहुत बड़ा कारण है हाई प्रोटीन डाइट, बिकॉज हर किसी की बॉडी एक जैसी काम नहीं करती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक जैसा काम नहीं करता। अगर मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो जरूरी नहीं कि आपका भी डाइजेस्टिव सिस्टम उतना अच्छा होगा। मैंने अगर 100 ग्राम प्रोटीन खाया तो जितनी जल्दी मेरी बॉडी डाइजेस्ट कर पा रही है, बिकॉज मेरी बॉडी के अंदर और भी चीज़ें हैं जो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, जो एसिड्स होते हैं वो बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग एसिड बने हैं बॉडी के अंदर, बहुत सी चीज़ों में मैटर करता है। तो जब हम इतना हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होती, तो बॉडी के अंदर वो पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, सड़ता है तो बॉडी उसके बाद टॉक्सिन्स जो जनरेट होते हैं वो बॉडी के ब्लड के थ्रू बॉडी के अंदर जाते हैं, और वही हमारी बाकी बीमारियों का कारण होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां जो होती हैं लाइक कैंसर है कुछ है, ये टॉक्सिन्स के ओवरलोड के कारण होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप नॉनवेज छोड़ दें या गो वीगन, आप देखा होगा फॉरेन में तो आजकल गो वीगन हो गया है कि वीगन जाओ ये मत खाओ, बिकॉज उनको पता है कि अब ये बहुत ज़्यादा बीमारियों का कारण हो चुका है। तो गाइस, इसको हम कैसे संभल सकते हैं और किससे हम प्रोटीन को हम ऐसा क्या लें कि हमारी प्रोटीन की पूर्ति भी प्रॉपर हो जाए और हमें इस साइड इफेक्ट से भी बचा जा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रोटीन नॉनवेज खाना बंद कर दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चिकन मत खाओ, मटन मत खाओ, बट ये खाओ, कम खाओ। देखो, हमारी बॉडी को जरूरत होती है उतना ही खाइए, हमारी बॉडी में जितना जरूरत है प्रोटीन मात्रा उतनी लीजिए, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मत लीजिए, क्योंकि बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। प्रोटीन इतना सड़ा, मतलब प्रोटीन ऐसी चीज़ है कि उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आया है, विच इज मैन मैटर्स का वेगन प्रोटीन। गाइज, दिस इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स टोटली 100% वेगन,
ये काहे से बना है, ये जो बहुत सारे नेचुरली प्रोडक्ट हैं जो ग्रो होते हैं, नेचुरली ग्रो होते हैं, लाइक इसमें पी है, राइस है, मूंग बीन है, होल एल्गी प्रोटीन है, ये इनसे बना हुआ है। ये बहुत ही ईजली डाइजेस्टेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जो खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, या पॉटी के थ्रू निकल गया। आपने बहुत से लोगों को दिखाया खाया और पेट खराब हुआ और निकल गया। अगर बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही तो उसको यूटिलाइज कैसे करेगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप खा रहे हो वो आपकी बॉडी के अंदर यूटिलाइज होना चाहिए, वो डाइजेस्ट होके बॉडी एब्जॉर्ब करके उसको यूटिलाइज कर पाए। सो दिस इज अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज इजली डाइजेस्टेबल एंड गेट एब्जॉर्ब इन टू योर ब्लड स्ट्रीम एंड हमारे टिश्यूज उस चीज को एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज करते हैं। आप जब इसको रेगुलर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो गई, बिकॉज स्किन के सेल्स भी प्रोटीन से बने होते हैं। आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी हो गए क्योंकि हमारे बाल भी प्रोटीन से बने होते हैं। आपके ओवरऑल बॉडी की वेलनेस, आपका लिवर, किडनी, हार्ट, पूरे स्प्लीन, आपकी पूरी बॉडी, आपकी बोन डेंसिटी, इसमें बहुत सी चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी दी हुई। इसमें 28 वाइटामिन, इसके 28 वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं जो कि बोन डेंसिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसमें 9 अमीनो एसिड्स हैं जो आपके मसल बिल्डिंग में भी काम करते हैं। लोग गाइस, जिम वाले जो लोग होते हैं ना, वो वे प्रोटीन लेते हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, उस बहुत सारे स्टेरॉइड्स मिले होते हैं। प्लीज़ डोंट टेक दोज वही प्रोटीन, बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो बॉडी को फास्ट ग्रो करने के लिए होते हैं। बट वो फास्ट ग्रो तो करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी को डैमेज कर देते हैं। एंड मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ये मैन मैटर्स का वेगन प्लांट प्रोटीन, जो कि बहुत ही ईजिली डाइजेस्टेड है, आपको डाइजेस्ट करके आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा और आपकी बॉडी मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। बिकॉज में जो चीज़ें दी हैं, अमाइनो एसिड्स दिए हैं, इसमें वाइटामिन मिनरल्स दिए, जो आपकी बॉडी के हेल्थ को और टिश्यूज़ के हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, और साथ ही साथ ये बॉडी आपके ओवरऑल फंक्शन को भी हेल्प करेगा। कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे फूड के पार्ट्स होने चाहिए। आप चाहे वेट लॉस कर रहे हो, इसमें फैट नहीं है, आप वेट लॉस कर रहे हो आप यूज कर सकते हो। इसमें कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, कई लोगों को होता है डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है। इसमें ग्लूटेन नहीं है, कई लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है। इसमें सोया नहीं, कई लोगों को सोया से भी एलर्जी होती है। तो इट्स ऑल इन सबसे फ्री है। इसमें इसको पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हो, आप जिम जाते हो तो इट्स वेरी गुड। आप इस वाले को ट्राई कीजिए और रिजल्ट देखिए। देखो, आपने बहुत सारे मार्केट में प्रोटीन पाउडर आ रहे हैं, क्या वो रियली प्रोटीन पाउडर है या सिर्फ आपको एक आटा पिला रहे हैं घोर के? आपको नहीं पता, ठीक है? बहुत डुप्लीकेसी हो रही है गाइस, प्लीज बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी हो रही है इस मार्केट में। तो गो फॉर गुड प्रोडक्ट, ट्रस्टेड कंपनी पे, ब्रांड पे वर्क करिए। बहुत सारे मार्केट में जो प्रोटीन पाउडर के डब्बे आ रहे हैं, उनके लेबल चेंज करके अंदर आटा भर देते हैं और घोर के दे देते हैं, फ्लेवर डाल दिया, और लोग सोचते हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग, हम जिम जा रहे हैं, बॉडी बनाएंगे और बॉडी बन जाएगी। वो नहीं बनती है, बिकॉज आप जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप खा रहे हैं वो आपको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए। और दिस इज प्लांट वेगन प्रोटीन। जो वेजिटेरियन है वो भी ले सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन वो भी ले सकते हैं। गाइस, आपको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप चिकन खाना चिकन खाओ, मटन खाना मटन खाओ, जो भी खाना है खाओ, इसको जरूर लो। बिकॉज वो जो आप खा रहे हो वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, ना आपको पता है, बट ये आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब जरूर होगा। तो लेना क्या है आपको, इसको एक स्कूप, इसका 24 ग्राम का एक स्कूप है। 24 ग्राम प्रोटीन आपको एक बार में मिलेगा। पानी में लीजिए, ऐसे लीजिए और डाल लीजिए और घोर लीजिए यार, और इसको बंद कर लीजिए। चॉकलेट फ्लेवर वाला है मेरा। नाउ यू हैव टू शेक इट, शेकर आता है, शेकर से आप इसको मिक्स कर सकते हो। देखो, नेचर ने हमको हर चीज प्रोवाइड की हुई है, बट हम उस चीज के लिए बने हैं कि नहीं बने? हम घास फूस नहीं खा सकते ना, क्योंकि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब, गाय घास खाती है, ठीक है? हम पेड़ पत्ते नहीं खा पाते ना, जो गाय घास जो भूसा खाती है वो हम खाएंगे तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्टर एंजाइम नहीं है जो भूसे को डाइजेस्ट कर पाए। बट वो गाय उसी भूसे को खा के इतनी बड़ी साइज हो जाती है, इतना सारा दूध देती है जिसको हम पीते हैं। रिमेंबर, हम जो खा रहे हैं वो जरूरी नहीं कि हमारी बॉडी के लिए बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सही चीज खाइए। गलत चीज खाएंगे बॉडी के अंदर जाएगा, बट वो एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने दिन पड़ा हुआ है और वो क्या साइड इफेक्ट दे रहा है लॉन्ग टर्म में हमें नहीं पता। तो हमेशा अच्छी चीज खाइए, हेल्दी चीज खाइए, फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए और
प्रोटीन पाउडर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हेल्दी लाइफ जीना है ना तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी ना तो बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, साथ ही साथ आपकी बॉडी की रिकवरी स्लो हो जाती है। आपको कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमारी हुई, आपकी बॉडी रिकवरी नहीं कर पाएगी। आप जिम जाते हैं तो आफ्टर वर्कआउट पी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपकी बॉडी को फास्टली प्रोटीन मिल जाएगा। हम जो नॉनवेज खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। डाइजेस्ट होगा, फिर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा और फिर आपकी प्रोटीन नीड पूरी होगी। ये जाते ही आपको 2-3 घंटे में ही प्रोटीन की सप्लाई को पूरी कर देता है और ईजिली डाइजेस्ट होकर टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है। टेस्ट बहुत प्यारा है, चॉकलेट फ्लेवर है, मजा आएगा। कोई भी डाउट हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरी आईडी डॉक्टर अवनीत गुप्ता, मैं वहां पर आपको वेट करूंगा। ये मिलेगा कहां पे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जाइएगा लीजिएगा, पीजिएगा जरूर और बताइएगा कि कैसा लगा प्रोडक्ट। 1 महीना पीजिए, आपको फॉल्ट में खुद ही फर्क दिखने लगेगा, आपकी स्किन में, आपके हेयर में, हर चीज में फर्क दिखने लगेगा।